वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, हमने जो स्टार्ट किया हुआ था ऑप्टिक नर्व, या फिर मैंने आपको जो न्यूरो ऑफ्थेलमोलॉजी स्टार्ट कराई थी उसके दो टॉपिक्स खाली रह गए थे, एक ऑप्टिक न्यूरोपैथी और दूसरा टॉपिक है हमारा ऑप्टिक एट्रोफी का। तो ये दोनों टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अभी, और उसके बाद इंशाल्लाह आई कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रेटिना, जो रह गया था तकरीबन आधा चैप्टर रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैं स्ट्रैबिस्मस करवाऊंगी। तो हमारे पास आई में अगर बात करूँ मैं तो सिर्फ यही टॉपिक्स एक रहते हैं, स्ट्रैबिस्मस के बाद सिर्फ यूवेआइटिस एक मेजर टॉपिक रह जाएगा, और फिर जो माइनर्स होंगे इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे, बहुत जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इससे बता रही हूँ कि ताकि स्ट्रैबिस्मस और रेटिना मैं इसके बाद बस ये आज के टॉपिक्स के बाद वही इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है ना, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑप्टिक न्यूरोपैथी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसमें बेतहाशा चीज़ें कवर हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपकी बुक में मतलब जतोई की अगर मैं बात करूँ कि तो उसमें लिखी हुई जो डेफिनेशन, उन्होंने तो लिखा है कि इट इज़ द नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। उनने तो लिखा है कि हमने, क्योंकि पहले एक बात पढ़ी थी इससे पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस में हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन जो ऑप्टिक नर्व की होगी उसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहेंगे, ठीक है। फिर ऑप्टिक न्यूरोपैथी में क्या चीज़ होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होंगी वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आएंगी, लेकिन एक्चुअली ये वाली बात सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। इस बात को अपने इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसमें ऑप्टिक नर्व की बेतहाशा कंडीशंस, कोई भी कंडीशन जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही होगी वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आ सकती है, ठीक है, जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस भी आती है। तो इन शॉर्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में हम हर टर्म को लेके आ सकते हैं, इट इज़ अ जनरल टर्म विच डिस्क्राइब्स के एनी काइंड ऑफ लीजन, एनी काइंड ऑफ डैमेज विच इज़ अकरिंग ऑन द ऑप्टिक नर्व, वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आ सकता है, ठीक है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहा होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ पार्ट या इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रख लेना है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है ये, इन्फ्लेमेशन भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन इसके अंडर आती हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसको इसलिए क्लियर रखना जरूरी है ताकि आपके एमसीक्यूज में तो आप गलत ना करें। सो ये होगी ब्रॉड टर्म। इसमें हमने काफ़ी सारी बातों को मतलब पढ़ना है, इसकी टाइप्स काफ़ी सारी हैं, क्लासिफिकेशन में हम उन सबको देखेंगे और मैं एक एक का नाम के साथ ही उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। और आपने सिर्फ इनको इतना याद रखना है कि अगर आपके सामने कभी कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ ऑप्टिक न्यूरोपैथी तो आपको पता हो, और फिर आप उसकी कोई टाइप अगर कोई आपसे पूछ रहे तो आपको पता हो, लेकिन क्लासिफिकेशन वो ऐसे नहीं आपसे करते कि क्लासिफाई ऑप्टिक न्यूरोपैथी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंडर आती हैं, तो इसका एसीक्यू कभी भी नहीं आता इस तरह से, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो इसकी चीज़ है वो इसमें आती है ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब आपको याद होगा जब मैंने ग्लॉकोमा आपको पढ़ाया था तब मैंने ये बात एक दफ़ा आपको अच्छे से समझाई थी कि ग्लॉकोमा में लोग डेफिनेशन में कहते हैं कि रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ग्लॉकोमा, जबकि ऐसा नहीं है। ग्लॉकोमा तब होता है जब कभी भी हमारे पास देयर इज ऑप्टिक न्यूरोपैथी ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर आपका आई का इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज है लेकिन अभी इतना रेज नहीं है इंट्राओकुलर प्रेशर, आई एम सो सॉरी, अच्छा अगर आपकी आई का इंट्राओकुलर जो प्रेशर है ये है, ठीक है, वो रेज है, नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इतना रेज नहीं है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पड़ी हुई है, अभी आई का प्रेशर जो है वो रेज हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि नर्व का डैमेज हो, तो हम उसको कभी भी ग्लॉकोमा नहीं कहेंगे, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखना आपने कि ग्लॉकोमा सिर्फ तभी होता है जब हमारे पास रेज इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज और ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है, सही हो गया। तो हमारे पास ऑप्टिक न्यूरोपैथी की पहली कॉज जो होती है हम लिखते हैं ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि आई आंख में इंट्राओकुलर प्रेशर रेज था और उसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी और ऑप्टिक नर्व डैमेज स्टार्ट हो गया, तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी जो डिफरेंट चेंजेस आपको नजर आएंगे ऑन योर फंडोस्कोपी। अब आपको ये बातें तो सारी मैं दोबारा से रिवाइज तो नहीं करा रही कि क्या होता है, आपको याद था कि हम जब भी ऑप्टिक नर्व को हमने देखना होता है तो वी डू फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हमें ऐसे फंडस नजर आते हैं आंख का योगी, यानी कि जो बैक वॉल ऑफ आई है, आप ये समझ लें सिंपली, उसमें हमें क्या नजर आता होता है, एक ऑप्टिक कप होता है ऐसे करके, ठीक है, मतलब एक वो वाला एरिया जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही होती है पीछे की तरफ, वो हमें ऑप्टिक सॉरी ऑप्टिक डिस्क होती है आपकी पूरी की पूरी, और इस ऑप्टिक डिस्क का सेंट्रल पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है उसको हम ऑप्टिक कप कहते हैं। उसके अलावा ये एक साइड पे आपको नजर आता है, सेंटर में नहीं, एक साइड पे, मैंने ज़रा सेंटर में बना दी, साइड पे होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पोर्शन होता है जो मैक्यूला होता है, मैक्यूला इज द पोर्शन जहाँ पर मैक्सिमम विजुअल एक्विटी होती है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोन्स एट दैट पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वेसल्स भी फिर साथ नजर आ रही होती हैं जो यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास जो ग्लोकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी है उसमें क्या क्या आपको इस फंडस में चेंजेस नजर आती हैं। सबसे पहली चेंज है जी, वो है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट। अब ये क्या चीज़ होती है, आपको जब रेटिना पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था उसमें कि रेटिना में 9 लेयर्स हैं, ठीक है, और रेटिना की जो 9 लेयर्स हैं उसमें जो सबसे उसकी आखिरी लेयर होती है, 9th लेयर होती है, नीचे से अगर आप ऊपर उसकी लेयर्स बनाना शुरू करें, सबसे पहले आपकी वो रॉड, वो एपिथीलियम, फिर रॉड्स एंड कोन्स और बहुत सारी लेयर्स आती हैं, तो आखिरी लेयर में उसके क्या होते हैं, हमारे पास गैंग्लियॉन्स होते हैं, सॉरी एक्सॉन्स होते हैं आपके गैंग्लियॉन सेल्स के, ठीक है। यहाँ पर आपके 8th लेयर में पड़े हुए होते हैं गैंग्लियॉन सेल्स और उसके बाद उनके एक्सॉन्स होते हैं गैंग्लियॉन सेल्स के, और यही जो गैंग्लियॉन सेल के एक्सॉन्स होते हैं यही सारे मिलके आपकी ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये बात तो पुरानी आपने पढ़ी हुई है यकीनन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि जब आपका ऑप्टिक नर्व, सॉरी इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आई के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से सबसे पहले जो प्रेशर पड़ेगा ऑप्टिक नर्व तक प्रेशर जाने से पहले, पहले प्रेशर पड़ेगा इन इस एक्सॉन लेयर पे, ठीक है, जो आपके पूरे रेटिना में आपकी ये अगर आई है, ठीक है, दिस इज योर आई और यहाँ से यहाँ तक आपका रेटिना भी है इसमें, ठीक है, इस पूरे रेटिना की जो आखिरी लेयर है वो इन एक्सॉन सेल्स, इन एक्सॉन फाइबर्स की लेयर है, तो पहला जो प्रेशर पड़ेगा वो इन सारे एक्सॉन फाइबर्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन फाइबर लेयर है इसकी नॉर्मल विड्थ अगर एक नॉर्मल बंदे की आंख में देखें तो ऑलमोस्ट एक एवरेज आइडिया दे रही हूँ आपको, 80 माइक्रोमीटर्स की होती है, ठीक है, इसकी जो नॉर्मल विड्थ है। जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी थिनिंग हो जाएगी, ये पतली हो जाएगी लेयर जो आपकी गैंग्लियॉन सेल या फिर नर्व फाइबर लेयर, इसको नर्व फाइबर लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें नर्व के फाइबर्स होते हैं, तो हमारे पास इसकी जो थिनिंग हो जाती है तो ये 60 या 70 माइक्रोमीटर तक चली जाती है। तो अगर आपको पहली बार में, अभी आपको ऑप्टिक नर्व में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, ऑप्टिक डिस्क में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, फंडोस्कोपी पे ज़्यादा मसला नज़र नहीं आया, लेकिन आपकी जो ये नर्व फाइबर की लेयर है, जो 9th लेयर है रेटिना की, इसकी जो थिकनेस है वो 80 से 60 या 70 पे या 80 से कम हो चुकी हो तो वो बहुत ज़्यादा सस्पिशन होती है कि ग्लोकोमा डेवलप हो रहा है पेशेंट में, ठीक है। तो पहली तो ये चेंज होती है, सबसे अर्लीस्ट चेंज है, ये एमसीक्यू में आती होती है अर्लीस्ट चेंज, तो याद रखनी है। फिर क्या बातें आती हैं उसके बाद है हमारे पास न्यूरोरेटिनल रिम। न्यूरोरेटिनल रिम बेसिकली ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो फंडस है, फंडस में देर इज अ ऑप्टिक डिस्क और उसके सेंटर में होता है ऑप्टिक कप। तो ऑप्टिक कप और ऑप्टिक डिस्क में जो दरमियान में ये वाला एरिया है ना, इसको हम न्यूरोरेटिनल रिम कहते हैं, ठीक है, यानी कप के बाहर और डिस्क के अंदर, कप सेंटर वाला है और डिस्क ये बड़ी बाहर वाली है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो व्हाइट वाला एरिया है दिस इज नॉन एज न्यूरोरेटिनल रिम। तो नॉर्मली ये अपेयर होता है, अगर आप नॉर्मल फंडोस्कोपी में देखें तो ऑरेंज से पिंक कलर का होगा, लेकिन ये पैलर हो जाएगा इन केसेज ऑफ ग्लोकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी बिकॉज इस पर प्रेशर पड़ रहा है और नर्व्स की ट्रांसमिशन सही नहीं हो रही, आर्टरीज ब्लड सप्लाई सही नहीं कर पा रही, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है ऑप्टिक डिस्क कपिंग। कपिंग क्या होती है कि हमारे पास नॉर्मली जो डिस्क का ये ऑप्टिक कप का जो डायमीटर है और ऑप्टिक डिस्क का जो डायमीटर है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कप डिस्क रेशियो, ठीक है। ऑप्टिक कप का डायमीटर ले लेंगे इसका, छोटे वाले का कप, और ऑप्टिक डिस्क इस पूरी का डायमीटर लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे तो कप डिस्क रेशियो आती है। वो कप डिस्क रेशियो जो है ना वो 0.7 होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर वो कप डिस्क रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो दैट इज ऑप्टिक डिस्क कपिंग, और उसमें फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा सस्पिशन होती है ग्लोकोमा की। उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नेजल साइड पे या मीडियल साइड पे मूव करने लग जाती हैं बिकॉज प्रेशर उन्हें टेम्पोरल साइड से ज़्यादा फील हो रहा होता है, और जगह जगह पर ब्लड वेसल्स, क्योंकि ग्लोकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होता है ना, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो पतली वाली होती है वो रप्चर कर जाती हैं और आपको छोटे छोटे से हेमरेजेस मिलते हैं ऐसे सीधे सीधे, उनको हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। तो दीज आर द चेंजेस विच आर सीन इन ग्लोकोमेटस टाइप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और ग्लोकोमा की जो ट्रीटमेंट है वो फिर इसमें अप्लाई की जाती है। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड कॉज है हमारे पास ऑप्टिक न्यूरोपैथी की, वो है इंटीरियर स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। इंटीरियर स्कीमिक का क्या मतलब है, अब हमारे पास ये जो ऑप्टिक नर्व का हेड है, अभी हमने ऑप्टिक न्यूरोपैथी में ना हम सिर्फ ऑप्टिक नर्व के शुरू के पोर्शन की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व का हेड है या फिर मतलब जहाँ पर से वो स्टार्ट होके जा रही है आँख से निकल रही है, उस जगह को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर उस ब्लड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस जगह पर ऑप्टिक नर्व का फाइबर्स का इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया की वजह से जाहिर सी बात है जब किसी जगह पर भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो वो जगह अपना फंक्शन नहीं कर सकती, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ द गैंग्लियॉन सेल्स, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ द एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म और सब कुछ रुक जाता है, ठीक है। तो जब वहाँ पर एक्सोप्लाज्म की मूवमेंट रुक जाएगी तो जाहिर ऑप्टिक नर्व का फंक्शन खत्म हो
हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, के इस्कीमिया हुआ है, ब्लड सप्लाई लॉस हुई है तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी। फिर इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक होती है आर्टराइटिक टाइप और एक नॉन आर्टराइटिक। आर्टराइटिक का मतलब है कि आर्टरीज का इशू है, इसमें हमारे पास जो आएगा ना, एक सेकेंड पहले मैं आपको ज़रा सी ब्लड सप्लाई दिखा देती हूँ। ये आप इस डायग्राम में देखें, बहुत अच्छी डायग्राम है, ब्लड सप्लाई शो कर रही है आपको ऑप्टिक नर्व की, ठीक है। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है आपके ऑप्टिक नर्व का हेड है, ठीक है, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही है पीछे। अब हमारे पास अगर इसी पोर्शन को उनने इनलार्ज करके दिखाया, तो आप यहाँ नीचे देखें, दिस इज़ योर एरिया ऑफ, मतलब लेमिना क्रिब्रोजा होता है शुरू में, उसको हम थोड़े से एरिया कहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो होगा इसको हम ऑप्टिक नर्व, या पूरा जो एरिया है हमारा, ये आपका यहाँ से ऑप्टिक नर्व बन के पीछे की तरफ जा रही है। अब यहाँ ब्लड सप्लाई कैसे आती है, दिस इज़ योर बड़ी वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये आपकी मेजर आर्टरी है। इसकी एक ब्रांच होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जो आपकी आई के लिए आती है। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी कुछ ब्रांचेस देती है, और उसके बाद खुद जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी मेन आती है, वो ऑप्टिक नर्व के सेंटर में ट्रेवल करती हुई सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बना देती है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ये इसकी, मतलब नज़र तो ये आ रहा है कि ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है, ये असल में इसकी मेन ब्रांच होती है, ठीक है। ये देखें, ये आ रही है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बन गई, ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से नज़र आ रही है ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। उसके अलावा आपको यहाँ पर ही अगर मैं बताऊँ, तो वी हैव साइड पे, जो यहाँ से ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ही एक ये ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये जो यहाँ साइड पे ट्रेवल कर रही है, जो यहाँ पर आपको इधर नज़र आ रही है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, जिसमें से आपकी आगे जाके निकलती है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज। तो ये भी आपके ऑप्टिक नर्व को, और जो रेटिना की आखिरी लेयर्स हैं, यानी जो रेटिना की नर्व फाइबर लेयर है, उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है, पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, और इसकी ये शॉर्ट जो पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज हैं, इसी में से निकल रही हैं, ये सप्लाई कर रही हैं, और इसको लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी भी कहते हैं। तो बहरहाल दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ये वाली, और उसके अलावा ये जो पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज हैं, निकल कहाँ से रही हैं, सारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी से। तो आपका जो ये एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है ना, इसमें आपकी डिजीज़ जो इसकी आर्टराइटिक टाइप है, इसमें डिजीज़ इज लिमिटेड टू द आर्टरीज़, के आर्टरीज़ की अपनी कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है। और आर्टरीज़ की अपनी कौन सी पैथोलॉजी होती है, सपोज कर लेते हैं जॉइंट सेल आर्टराइटिस हुआ है पेशेंट को, जॉइंट सेल आर्टराइटिस जो है वो टेम्पोरल आर्टरी का एक आर्टराइटिस होता है, मतलब आर्टरीज़ की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये आपने अपने यकीनन पैथोलॉजी में CVS में पढ़ा होगा कि आर्टराइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आर्टरीज, जिसमें आपकी आर्टरीज जो है वो सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। और इसकी ज़ाहिर पैथोलॉजी में हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि व्हाट इज जॉइंट सेल आर्टराइटिस। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी वजह से शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई सही नहीं पहुंचाएंगी, और जब ब्लड सप्लाई सही नहीं पहुंचाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इस्कीमिया होगा ऑप्टिक नर्व का, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी कि डैमेज हो जाएगा। बाकी बातें इसकी सारी मैंने भी आपको बतानी है, वो अगले पार्ट में करती हूँ। अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी, थैंक यू।